मेरा नाम ज्योति है। हम इस वक्त मौजूद हैं शेल्बी ऑर्थोपेडिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लखनऊ में, जो कि हाल ही में शुरू किया गया है। ये शेल्बी अहमदाबाद हॉस्पिटल्स का एक इनिशिएटिव है, जहां पर एक ही जगह पर जोड़ों और हड्डियों के सारे ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। इसकी शुरुआत की थी विश्व प्रसिद्ध ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह ने 1994 में। आज शेल्बी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक सेंटर है और यहाँ पर 1,40,000 से भी ज़्यादा सफल ऑपरेशंस हुए हैं। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जिन्हें दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल से वापस भेज दिया गया था। शेल्बी का लखनऊ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल IIM रोड मुक्तिपुर पर स्थित है, जहां पर आपको विश्वसनीय और विश्व प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सेवाएं मिलती हैं। और यहां पर शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद के वरिष्ठ सर्जन भी रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम शाह की जॉइंट रिप्लेसमेंट टीम के डॉक्टर, डॉक्टर विपुल गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता एक बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने पिछले 13 साल के करियर में हजारों सफल ऑपरेशंस किए हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर गुप्ता से लखनऊ स्थित शेल्बी ऑर्थोपेडिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में कुछ और। डॉक्टर साहब, आप लखनऊ के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। ये जो लखनऊ में शेल्बी की ऑर्थोपेडिक ब्रांच खुली है, इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। शेल्बी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। लखनऊ में ये हमारा पहला प्रेजेंस नहीं है। लखनऊ में कई सालों से हमारी OPD जो है वो वीकली चल रही थी, और लखनऊ और पूरे UP से हज़ारों पेशेंट हमारे अहमदाबाद वाले हॉस्पिटल में अपना सफल जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के वापस जा चुके थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अहमदाबाद नहीं पहुंच सकते, तो इसके लिए अब शेल्बी का 24/7 एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक के लिए हमारे यहाँ लखनऊ में आ चुका है। तो अब वो लोग जिन्हें पहले अहमदाबाद जाना पड़ रहा था, या वो लोग जो अहमदाबाद नहीं जा सकते, वो भी अब यहाँ अपना इलाज करा सकते। यहाँ पे हड्डियों और जोड़ों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? शेल्बी लखनऊ इमरजेंसी एज वेल एज रूटीन ऑर्थोपेडिक के सभी तरह के केसेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम यहाँ पर जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज और कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा को टैकल करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। पिछले 1.5 महीने में हम 20 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक यहाँ कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि घुटनों की समस्या आजकल काफ़ी आम हो गई है, ज़रा इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अर्थराइटिस मूलतः अधिक उम्र में होने वाली समस्या है। तो एज इन जनरल अभी हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीमे धीमे लोगों की बढ़ रही है, तो अर्थराइटिस का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। उसके अलावा हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ओबेसिटी है, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है, और ओबेसिटी के कारण भी जो अर्थराइटिस है उसके इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ है कि अब लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हैं। पहले अगर लोगों को दर्द होता था तो लोग मान लेते थे कुछ नहीं हो सकता, अब लोगों को दर्द होता है तो वो इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। ये भी एक कारण है कि पहले से ज़्यादा हमें लोग देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस रोग में क्या हमेशा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि 10 में से 8 लोगों को इसमें सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ती है जिनकी घुटनों की समस्या बहुत ही एडवांस स्टेज में है, जहां उनका घुटना बहुत ज़्यादा घिस गया है, जहां पे उनका बीच का स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ज़्यादातर मरीज केवल मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, अपना जो अपना दिनचर्या है उसमें बदलाव, ये सब करके ही आराम पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण जिसे अंग्रेजी में नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, इसके बारे में ज़रा हमें विस्तार से कुछ बताइए। नी रिप्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक शल्य चिकित्सा है, जिसमें हम आपके खराब जोड़ों को हटाकर उनको हम एक आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। आज के समय में एनेस्थीजिया टेक्निक, पेन किलर, इनकी वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना बहुत आसान हो गया है। मरीज को कभी कभी पता ही नहीं चलता कि उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, और इसका सक्सेस रेट भी 95% से ज़्यादा ही है।
घुटना या हिप प्रत्यारोपण या फिर ये कहें कि रिप्लेसमेंट में शेल्बी का नाम विश्व में प्रमुख है। हमें ये बताइए कि शेल्बी इन सब सेवाओं में कैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि शेल्बी न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है और हमारा 1.5 लाख से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट का अनुभव है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कॉम्प्लिकेशन और खासतौर से इन्फेक्शन को बहुत कम रखना है। सबसे कॉम्प्लिकेशन की मतलब इन्फेक्शन की रेट को बहुत कम रखना है, तो उसके लिए हमारे जितने प्रोटोकॉल हैं उसके अराउंड हैं। और हमारा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो हम सिर्फ स्टेट ऑफ आर्ट मॉडलर ओटीज में ही करते हैं। उसके अलावा ऑपरेशन के लिए हम सारे डिस्पोजेबल गाउन और एग्जॉस्ट सूट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा शेल्बी की अपनी रिप्लेसमेंट की एक अपनी जीरो टेक्निक है। नी रिप्लेसमेंट लगभग सर्जरी 1 से 1.5 घंटा लेती है, तो जीरो टेक्निक से वो जो टाइम है वो हम 20 से 30 मिनट तक ले आए हैं। इसकी ये सर्जरी का टाइम कम होने से कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ब्लड लॉस बहुत कम होता है। हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और पेशेंट का जो इन्फेक्शन रेट है वो भी बहुत कम रह जाता है और कॉम्प्लिकेशन के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। और ये इतना आसान हो जाता है कि हम आजकल सर्जरी के बाद 3 से 4 घंटे बाद मरीज को खड़ा करके चला पाते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने घुटने और दूसरे जोड़ों का ध्यान कैसे रखें? एज अ डॉक्टर आप क्या टिप्स देंगे? पहला है तो ये है कि अपना वजन जो है वो कम रखें। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर करें। 30 से 40 मिनट की डेली की ब्रिस्क वॉक जो है वो आपके शरीर के सारे जॉइंट्स और मांसपेशियों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके अलावा जब आपको जोड़ों में दर्द जब जस्ट शुरू ही होता है तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें। अगर आपको जो 30 से 40 साल के हैं और आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो सबसे पहले आप नीचे बैठना, ज़मीन पर नीचे बैठना बंद करें, इंडियन टॉयलेट में जाना बंद करें और सीढ़ियाँ का उपयोग थोड़ा सा कम कर दें। अगर हम जॉइंट पेन की शुरुआत में ही सही कदम उठाएं और सही उपचार लें, सही एक्सपर्ट से राय लें, अपने जोड़ों का ध्यान रखें, तो भविष्य में जो जोड़ों की अर्थराइटिस से जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विपुल गुप्ता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेल्बी ऑर्थोपेडिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ IIM रोड मुकद्दीपुर पे स्थित है। अगर आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए इन्हें कॉल भी कर सकते हैं।